जय श्री राम। प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री गुरु चरण पर। दोस्तों, आज के राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आज 21 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार है। यह दैनिक राशिफल चंद्र ग्रह की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल की कार्यक्रम को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। इस राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। यदि आप अपनी कुंडली का फ्री में विश्लेषण करवा कर अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो आप अपना जन्म डिटेल कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। आज का सुविचार, सो तनु धरी हरि भजही ना जेनर, हो ही विषय रत मंद मंद तर, कांच की रीच बदले ते लेही, करते डारी परस मानी देही। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी भगवान राम का नाम नहीं ले सकते और हमेशा बुरे विचारों में खोए रहते हैं, वो लोग हमेशा उसी व्यक्ति की तरह आचरण करते हैं जो पारस मणि को तो अपने हाथों से फेंक देता है और कांच के टुकड़ों को अपने हाथों में ले लेता है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ सबसे पहले मेरी तरफ से जिनका आज बर्थडे या एनिवर्सरी है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। विक्रमी संवत 2078 मास कार्तिक पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि प्रतिपदा वार गुरुवार, नक्षत्र अश्विनी, योग वज्र, राहु काल 1:30 PM से 2:55 PM तक। इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अभिजीत मुहूर्त 11:43 AM से 12:28 PM तक है। दिशाशूल दक्षिण। यदि आप किसी कारणवश इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो दही या जीरा खाकर घर से बाहर जाएं लाभकारी होगा। तो चलिए दोस्तों आज का राशिफल जान लेते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने इष्ट देव या इष्ट देवी का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपकी प्रवृत्तियां आज काफ़ी सक्रिय रहेंगी और आपको उनकी सुनकर ही आज आगे बढ़ना चाहिए। यहां तक कि अगर आपके आसपास हर किसी की राय अलग है तो भी आप उनकी ना सुनकर अपने ही मन की सुने। आपके लिए शायद अभी यह कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा लेकिन आपको इसका लाभ मिलेगा। आपको अपनी आँखें और कान खुले रखकर अपने रास्ते में आने वाले अवसरों को पकड़ना है। शुभ अंक 8, शुभ रंग काला और नीला। उपाय, अपने वजन के बराबर जौ तोल कर किसी गौ आश्रम में देने से पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। वृषभ राशि, आज आपकी किस्मत आपके साथ है। आप अपने समस्या को सुलझा लेने की कुशलता से सबको अचरज में डाल देंगे। सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे। आपका आत्मविश्वास देखने लायक होगा और आपको एक नया काम मिलेगा। खुश रहें और अपनों के साथ खुशी बांटें। आज कोई दोस्त मिल सकता है। दिन कुल मिलाकर मज़ेदार रहेगा। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम और सफ़ेद। उपाय, घर में दूषित जल इकट्ठा ना होने दें, इससे नौकरी व बिजनेस में उन्नति होगी। मिथुन राशि, आज का दिन बहुत व्यस्त रहेगा, बहुत सारे काम कतार में हैं। हालांकि आप अपनी तरफ से उन सब कामों को निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर भी संभावना यही है कि सब काम पूरे नहीं हो पाएंगे और आपको इस कारण तनाव होगा। काम पूरे करने में और किसी की सहायता लेने से ना हिचकें, नहीं तो आप समय पर काम पूरा नहीं कर पाएंगे। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा और फिरोजी। उपाय, आर्थिक लाभ के लिए पिता या पिता समान व्यक्ति को सूर्य की कारक वस्तुओं गुड़, गेहूं, दलिया, लाल मिर्च, केसर से बना भोजन कराएं। कर्क राशि, आज पैसे को संभल कर खर्च करें। सितारों के अनुसार आज आप बिना किसी बात के काफ़ी खर्च कर सकते हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो काफ़ी बड़ी रकम आज आपसे खर्च हो सकती है। आज विवादों को टकराव से बचना ही बेहतर होगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं होगी और आप बाहर घूमने का आनंद ले सकते हैं। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल और मैरून।
तांबे के चैन में डाले गए रुद्राक्ष को धारण करने से प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। सिंह राशि, आपके किसी करीबी के जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हैं और आज आपको उनकी बात सहानुभूति से सुननी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि आप इस आदमी की बातों से निराश और बेचैन सा अनुभव करें, लेकिन आपको बिना किसी आलोचना के इस आदमी की सहायता करनी चाहिए। इससे आपके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण दोस्ती या साझेदारी भी प्रभावित होगी। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम और सफ़ेद। उपाय: पलाश पुष्प संकाशम, तारका ग्रह मस्तकम, रौद्रम रौद्र तमकम, घोरम ता केतुम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। कन्या राशि, आप पिछले कुछ दिनों से बेचैन और नाखुश सा अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आज आपका रुख इस समस्या को और अधिक गंभीरता से लेने का है। आपको यह जानना है कि इस समस्या की जड़ क्या है। आज का दिन इस काम के लिए सबसे बेहतर है। लंबे समय से उपेक्षित कुछ कामों की योजना बनाने के लिए भी दिन अच्छा है। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा और फिरोजी। उपाय: पीले सूरजमुखी के पौधे घर में लगाने से नौकरी व बिजनेस में तरक्की होगी। तुला राशि, लंबे समय के बाद आज आपको राहत महसूस होगी। किसी महत्वपूर्ण खबर से खुशी मिलेगी। अगर माता पिता हैं तो बेटे या बेटी के लिए सुयोग वर मिल सकता है। किसी लंबित अदालती मामले का फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। करियर के मामले में छोटे से प्रयास भी बड़ी सफलता मिलनी तय है। आज से जिंदगी वापस पटरी पर आती दिख रही है। प्रियजनों के साथ खुश रहें। शुभ अंक 8, शुभ रंग काला और नीला। उपाय: गणेश जी को हरी दुर्वा दूब घास चढ़ाने से नौकरी व बिजनेस में सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि, आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा। स्थितियां आपके सामने किसी पुरानी अवांछित बात को फिर से लाकर खड़ा कर सकती है, जिससे आप बचना चाहते थे। आपको इस समस्या से निपटने के लिए सहनशील नजरिए से सोचना होगा, क्योंकि आज आप बिना पर्याप्त कारण अपने आप सहित हर किसी पर सख्त रहे हैं। इस टकराव से नए अवसर भी आएंगे, अंतिम परिणाम अच्छा ही होगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी और सुनहरा। उपाय: अपने गर्लफ्रेंड अथवा बॉयफ्रेंड को सीप मोती या शंख से बनी वस्तु भेंट करने से प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। धनु राशि, आप हंसी मजाक के मूड में हैं। अपनी इस विशेषता को बनाए रखें, जो आपको मुश्किल समय में भी चिंता मुक्त रखती है। आप अपनी सक्रिय प्रवृत्ति के कारण एक बिजनेस डील हासिल करने में कामयाब होंगे। कोई आपसे प्रोत्साहन चाहता है, उसके मेंटर बन जाएं। अपने करीबियों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। मछली खाते हुए सावधान रहें। आज आप खास तौर पर ऊर्जा से भरे हैं और स्वास्थ्य महसूस कर रहे हैं। अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग अपने लिए किसी फायदे के काम में करें। अगर आप पिछले कुछ समय से कोई काम टालते रहे हैं तो आज आप आसानी से उसे पूरा कर सकते हैं। आज का दिन नया एक्सरसाइज कार्यक्रम शुरू करने या एरोबिक्स या तैराकी जैसे कार्यकलापों की क्लास लेने के लिए भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम और सफ़ेद। उपाय: विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से बुध अत्यंत प्रसन्न होता है, इसलिए नौकरी व बिजनेस के लिए इस पाठ को करना शुभ है। मकर राशि, आप सच्चे और ईमानदार लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लेकिन आज आपकी मुलाकात उनसे होगी जो मुखौटे लगाए रखते हैं। उन्हें पहचानने की कोशिश करें। आपसे जल्दी फैसले लेना समय की मांग रहेगी। किसी भी फैसले को अंतिम रूप देने से पहले अच्छी तरह सोच लें और फैसला लेने तक कोई भी अन्य काम ना करें। आप आज ऊर्जा से भरे हैं, जो आपके काम में भी साफ दिखाई देगी। आप सामान्य रूप से अच्छी सेहत का आनंद उठा रहे हैं। आप स्वास्थ्य संबंधी किसी ऐसे काम की योजना बना सकते हैं जिसे आप पिछले कुछ समय से करना चाह रहे थे। आपको इसके लिए धूप में निकलना पड़ सकता है, इसीलिए अपने साथ एक छाता रखे, नहीं तो आपको शाम तक सिर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम और सफ़ेद। उपाय: सोने का छल्ला अनामिका अंगुली में धारण करने से लव लाइफ स्मूथ चलेगी। कुंभ राशि,
आप अपने गुस्से के कारण तुरंत प्रतिक्रिया देने के मूड में हैं, लेकिन आपके लिए सुझाव यह है कि अपने दिमाग को शांत रखकर गंभीरता से सोचें। आपके पास अच्छी संचार कुशलता है और इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें। तनाव घटाने के लिए किसी साहसिक यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन शारीरिक आनंद के चक्कर में ना पड़ें। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा और सलेटी। उपाय: पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े होकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाने से आर्थिक समृद्धि आएगी। मीन राशि: आज आपके लिए गंभीरता से मेहनत करने का दिन है। आप काफी लंबे समय से लटका रहा एक काम संतोषजनक ढंग से पूरा करने में सफल रहेंगे। इससे आपके अवसर प्रभावित होंगे। आज आप पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की भी नजर पड़ेगी और इस बात का आपके भविष्य पर काफी प्रभाव पड़ेगा। आज का दिन आराम के नाम कर दें। काफी संभावना है कि आप आज का दिन खुद की अतिरिक्त देखभाल में बिताएं। अपने लिए एक ब्यूटी सेशन बुक करें या स्पा की सेवाएं लें। आज यह काफी प्रभावी होगा। आप बहुत जल्दी चमकते हुए और ग्लैमरस दिखेंगे। आपके आसपास सभी लोग आपके इस ब्यूटी और वेलनेस सेशन के बाद आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। शुभ अंक 2, शुभ रंग सिल्वर और सफेद। उपाय: पारिवारिक जीवन को अच्छा रखने के लिए रसोई घर के अंदर नंगे पांव लकड़ी की चौकी पर बैठकर खाना खाएं। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।